ओके यस क्लास नमस्कार एवरीवन नमस्कार मैम ओके बेटा आज हम करेंगे अपने व्याकरण में पार्ट नंबर 6 है वचन ये कंप्लीट करेंगे ओके इसमें आप पहले एग्जांपल देखिए घोड़ा दौड़ रहा है और घोड़े दौड़ रहे हैं फर्स्ट वाला एग्जांपल है घोड़ा दौड़ रहा है इसमें पिक्चर एक घोड़े की है एक से ज्यादा की है बोलिए एक घोड़े की पिक्चर है और दूसरे में घोड़े दौड़ रहे हैं वो एक है या एक से ज्यादा है हम एक से ज्यादा है एक से ज्यादा है थर्ड नंबर पे है बच्चा पढ़ रहा है और लास्ट में है बच्चे पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली दिख रहा है आपको बच्चा पढ़ रहा है तो इसमें एक बच्चे के बारे में बात हो रही है और बच्चे पढ़ रहे हैं इसका मतलब एक से ज्यादा की बात हो रही है एम आई राइट यस मैम ओके घोड़ा दौड़ रहा है मतलब एक घोड़े की बात हो रही है घोड़े दौड़ रहे हैं मतलब एक से ज्यादा है पिक्चर में दो दिख रहे हैं लेकिन अगर यहाँ पे 10 भी होते तो भी यही लिखा जाता ना घोड़े दौड़ रहे हैं yes, बिल्कुल yes, ओके और बच्चा पढ़ रहा है इसका मतलब एक बच्चा पढ़ रहा है बच्चे पढ़ रहे हैं इसका मतलब एक से ज्यादा पढ़ रहे हैं एक से ज्यादा वो कितने भी हो सकते हैं ओके तो दिए गए वाक्यों में घोड़ा और बच्चा शब्द एक संख्या का बोध कराते हैं जो घोड़ा और बच्चा ये दोनों शब्द ऐसे हैं जो एक संख्या का बोध करा रहे हैं मतलब घोड़ा एक है बच्चा भी एक है इज इट क्लियर यस मैम ओके और इसी तरह से ठीक है इसी तरह से घोड़े और बच्चे जो घोड़े शब्द है और बच्चे शब्द है वो एक से ज्यादा संख्या का बोध कराते हैं इसका मतलब है घोड़े और बच्चे हैं वो एक से ज्यादा है ये शब्द आपने रीड किया घोड़े आपने रीड किया बच्चे इसका मतलब जो नंबर है बच्चों की और घोड़ों की वो एक से ज्यादा है इज इट क्लियर नाउ यस मैम ओके अतः संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को ही वचन कहते हैं जो ये शब्द हैं जो हमें संख्या का ज्ञान करा रहे हैं ये इन्हीं को वचन कहेंगे तो वचन की परिभाषा होगी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो रहा है ये संज्ञा ही है ना घोड़ा यस मैम यस मैम घोड़े भी संज्ञा है यस मैम ठीक है बच्चा बच्चे ये संज्ञा है तो संज्ञा का बोध हो रहा है अगर इसकी जगह वह या वे वह दौड़ रहा है तो वह शब्द है वो सर्वनाम है एम आई राइट यस मैम हाँ तो उसमें सर्वनाम की संख्या पता लग गई कि वह दौड़ रहा है मतलब एक के बारे में बात हो रही है और वे दौड़ रहे हैं मतलब एक से ज्यादा सर्वनाम है तो इसमें संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं ये वचन की परिभाषा हो गई अब आप देखेंगे वचन के भेद तो वचन के दो भेद होते हैं एक तो एक वचन और दूसरा बहुवचन बहुवचन एक वचन वो होता है सिंगुलर नंबर जिसमें संज्ञा के जिस रूप से उसकी संख्या एक होने का बोध होता हो उसे एक वचन कहते हैं ठीक है लड़का बच्चा घोड़ा बकरी कोई भी नाम ले लो आप ठीक है अध्यापक ऐसे तो जैसे लड़की लड़का चूहा घोड़ा घड़ी ये एक पता चल रहा है इन वाले शब्दों को रीड करके कि एक नंबर है इन चीजों का एक ही नंबर है एक से ज्यादा नहीं है लोग लड़की लिखा है इसलिए एक ही लड़की की बात हो रही है अगर यहाँ लड़कियां होता मतलब एक से ज्यादा है ओके इसी तरह से लड़का चूहा घोड़ा घड़ी ये ऐसे संज्ञा शब्द हैं जिनको रीड करके आपको पता चल रहा है कि इनका नंबर है वो एक है तो ऐसे संज्ञा का वो रूप जिसकी संख्या एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं इन सभी शब्दों से इनकी संख्या एक होने का बोध हो रहा है अतः ये सारे एक वचन है इसी तरह से हम आगे वाले को देखते हैं सेकंड नंबर पे है बहुवचन सेकंड पे क्या है बी एक्टिव एवरीवन सभी बच्चे एक्टिव रहिए और रिप्लाई दीजिए बहुवचन होता है प्लूरल शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो आप एक ऐसा शब्द रीड करें जिससे पता चल रहा है कि एक से ज्यादा है जैसे अपन ने ऊपर देखा था बच्चे घोड़े वो शब्द ही तो है शब्द को रीड किया और आपको पता लग गया कि संख्या है वो एक से अधिक है एक से ज्यादा है तो उसे बहुवचन कहेंगे एग्जाम्पल है लड़कियां लड़के चूहे घोड़े घड़ियां
इनका मतलब है कि ये जो नाम, ये जो मैंने पढ़े हैं शब्द, इसका मतलब है ये सारे के सारे एक से ज्यादा है. इज इट क्लियर नाउ? उसके उदाहरण है. हाँ बिल्कुल, उसके उदाहरण है. अगर आपको बोला जाए ना कुछ बहुवचन शब्दों के उदाहरण दो, तो आप ये लिख सकते हैं. ओके अर्जुन? ओके. चलिए, इन सभी शब्दों में इनकी संख्या एक से अधिक होने का बोध होता है, अतः यह बहुवचन है. अब वचन परिवर्तन के कुछ आवश्यक नियम है वो देखेंगे हम. किसी भी चीज का जब वचन बदलते हैं ना, तो उसके नियम है वो देखेंगे. देखिए, पहला वाला है, आदर देने के लिए एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन की भांति किया जाता है. अगर हम किसी का रेस्पेक्ट करते हैं, जैसे जस्ट लाइक आपकी मम्मा, आपके पापा, आपके टीचर, कोई भी हो सकते हैं, घर में कोई भी बड़ा हो. जैसे मम्मी आती है कहीं से, तो क्या कहोगे? हाँ, माता जी आ गई या माता जी आ गए? आ गई. आ गई है, आ गई नहीं होता है बेटा. हाँ, जैसे आप, चलो माताजी से ज्यादा, माताजी से ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा, तो हम पिताजी वाला एग्जांपल पे आते हैं. रुकिए, अगर पिताजी आते हैं बाहर से, तो आप क्या कहते हो? पापा आ गया? हाँ, पापा आ गए, पापा आ गए. अगर गया शब्द है वो एक वचन के लिए है, लेकिन हम रेस्पेक्ट करते हैं इसलिए हम बोलेंगे पापा आ गए. और ज्यादा लोग आएंगे, मान लो कि चार आदमी आए, तो आप ये बोलोगे ना कि चार आदमी आ गए. Am I right? तो आ गए है वो ज्यादा के लिए भी आ रहा है, बहुवचन है, और आ गए हैं ये पिताजी के लिए भी आ रहा है, जबकि पिताजी तो एक वचन ही है, पिताजी एक ही है ना. लेकिन आदर देने के लिए हमेशा एक वचन को बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है. दादाजी बाजार जाकर आ गए, पापा जी दफ्तर से आ गए, ठीक है, तो गए हैं ये जो, या फिर जा रहे हैं, पापा जी दफ्तर जा रहे हैं, आप क्या अखबार पढ़ रहे हैं, तो रहे हैं जो शब्द है आगे जो सेंटेंस में आ रहा है वाक्य में, रहे हैं ये है, ये बहुवचन के लिए काम में आता है. मैं सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? इज इट क्लियर? सही बात है ना. तो ये बहुवचन के लिए आने वाला होता रहे हैं. जैसे मैं इसको देखूं, पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, पिताजी एक है, लेकिन वो रेस्पेक्ट देंगे हम, उन्हें आदर देंगे, इसलिए हम बहुवचन की तरह वाक्य में ये प्रयोग करेंगे. यहाँ पे ज्यादा लोग होंगे तो भी लिख सकते हैं कि चार आदमी दफ्तर जा रहे हैं, तो रहे हैं बहुवचन के लिए आता है, लेकिन आदर देने के लिए एक वचन शब्दों का बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है. ये बात समझ में आ गई आपको? यस मैम. चलिए, यस मैम. हाँ जी, चलो मैम. क्या हुआ काव्या? कहाँ पे पढ़ाते नहीं होता, कहाँ पे पढ़ा रहे हो? आपकी व्याकरण बुक में चैप्टर नंबर 6 है, ओपन किया आपने? पता है. हाँ तो पता है तो ढूंढो ना कहाँ पढ़ा रही हूँ. जहाँ पे वचन परिवर्तन के कुछ नियम दिए गए, अगला पेज देखो, उस पे होगा. पेज नंबर 32 है ये. यस मैम, मिल गया. चलिए, तो यहाँ पिताजी आप एक वचन है, पिताजी और आप एक वचन है, लेकिन इनके साथ बहुवचन की क्रियाओं का प्रयोग हुआ है. ठीक है, जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये क्रिया है, ये बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है. ऐसा उनके प्रति आदर प्रकट करने के लिए किया गया है. आगे बात समझ में बेटा? यस मैम. यस मैम. ठीक है, सेकंड वाला देखेंगे. लोग, केश, लोग होते हैं बहुत सारे लोग. केश किसको बोलते हैं? बाल. बाल. केश, आंसू, जो आंसू आते हैं आंख में. प्राण, हस्ताक्षर यानी साइन. दर्शक यानी पब्लिक, देखने वाले. पब्लिक. जी, तो शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है. ये कभी भी एक वचन में नहीं होते, ये हमेशा बहुवचन में ही होते हैं. जैसे लोग बाहर खड़े हैं, ठीक है, लोग बाहर खड़े हैं, या दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं, या इन सब ने हस्ताक्षर कर दिया, ये सारे बहुवचन वाले शब्द हैं. बेटा, इस लाइन से ये क्वेश्चन बन सकता है कि कुछ ऐसे शब्दों का उदाहरण दीजिए जो सदैव बहुवचन में होते हैं. तो यू कैन राइट दीज वर्ड्स. ओके? यस मैम. ओके मैम. ये ऐसे शब्द हैं. पिताजी बाहर जा रहे हैं मैम, यही है. पिताजी बाहर जा रहे हैं, ये ऐसे थोड़ी है. उसमें तो आपको ये बताया कि आदर देने के लिए आप बहुवचन में प्रयोग में लेंगे उनको, है वो एक वचन. लेकिन ये ऐसे शब्द है जो हमेशा
बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। ओके इनका एक वचन नहीं होता, ठीक है। चलिए, आजकल आपके दर्शन दुर्लभ हो गए हैं, दर्शन बोला ना आपको, आजकल आपके दर्शन दुर्लभ हो गए हैं, डर के मारे मेरे तो प्राण ही निकल गए थे। प्राण समझते हो ना, डर के मारे मेरी जान निकल गई थी। तो ये बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, एक वचन के रूप में नहीं होते हैं इनका प्रयोग। आपके दर्शन दुर्लभ हो गए हैं, देखो दर्शन है ये बहुवचन शब्द है, प्राण है ये बहुवचन शब्द है, इसीलिए गए हैं गए थे आ रहा है। आई मेरी बात समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं तो ये क्या yes, बोले ma'am. या फिर ये बोलेंगे क्या कि डर के मारे मेरा तो प्राण निकल गया था, ये बोलते हैं क्या? No, ma'am. नहीं बोलते no, ma'am. ये बहुवचन वाले शब्द है, इसलिए इनके साथ क्रिया है वो बहुवचन में आ रही है। चलिए थर्ड नंबर वाले पे आ जाइए। क्रोध यानी गुस्सा, क्षमा, प्रेम, जल, पानी, दूध, दही, वर्षा, सत्य, सत्य यानी सच आदि शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। ये ऐसे शब्द है जो हमेशा किसमें काउंट होते हैं? एक वचन। तो क्या अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कुछ ऐसे शब्द लिखिए जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं, तो क्या आप इनमें से कुछ लिख सकते हैं? ना यस मैम, यस मैम। बेटा मेरी अंडरलाइन तो मैं बार क्लियर हो जाती है जब मैं ये टच करके हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे आगे बढ़ने के लिए ये पेन हटाना पड़ता है। आप लोग अपनी बुक में जैसे मैंने अभी बहुवचनों को ऐसे किया था सर्किल, अब एक वचनों को सर्किल किया है, आप कर सकते हैं पेंसिल से, ताकि आप जब भी चैप्टर लर्न करें तो आपको ये याद रहना चाहिए कि ऐसे शब्द जो एक वचन में काउंट होते हैं वो ये हैं, जो बहुवचन में हमेशा शब्द काउंट होते हैं, हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं वो ये हैं, ताकि आपको एग्जाम्पल में अगर एग्जाम में अगर दो दो पूछे जाए, तीन तीन पूछे जाए, तो आप आसानी से लिख सके। चलिए आगे बढ़े। यस मैम। फोर्थ नंबर वाला पॉइंट, फोर्थ नंबर वाला पॉइंट है कि कभी कभी क्रियाओं को देखकर भी वचन का पता चल जाता है। वो तो पता चलता ही है, पता चलता है ना। मैं कह दूंगी लड़का बैठा है, तो लड़का वड़का सब हटा दो, इसमें बैठा देखा इसका मतलब एक ही है। मैं कह दूंगी कि बकरियां घास खा रही हैं, तो इसमें रही शब्द आ गया ना, तो रही है वो ज्यादा के लिए आया है, तो बहुवचन के लिए आया है। तो क्रिया को रीड करके कि हम एक वचन बहुवचन का पता कर सकते हैं। बोलो काव्या मैडम, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? हाँ बोलो काव्या। नो प्रॉब्लम। ओके, आई थिंक यू वांट टू आस्क टू मी, हाँ मुझसे बात करना अच्छा लग रहा है, तो क्लास अगर होती है फिर मुझे कॉल कर लेना। ओके काव्या। नो। अरे बेटा मजाक नहीं कर रही मैं, मैम पढ़ा रही है, जहां समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हो। बंदर पेड़ पर बैठा है, तो इसमें क्रिया बैठा आ गई, इसका मतलब ये एक वचन है। Yes, ma'am. बंदर Yes, ma'am. बंदर पेड़ पर बैठे हैं, तो क्रिया आ गई बैठे हैं, इसका मतलब ये बहुवचन है। मोर नाच रहा है, नाच रहा, एक वचन। मोर नाच रहे हैं मतलब बहुवचन। ओके ओके चलिए ठीक है। तो देखो इसमें बहुवचन में बंदर रहता है, बंदर एक वचन है, और उसका बहुवचन बनाएंगे तो बंदरों नहीं होगा, बंदर का बंदर रहेगा। दिखा नहीं दिखा? दिखा मैम। क्रिया क्रिया इसमें सिर्फ क्रिया चेंज होगी जब पता चलेगा कि एक वचन वाला है या बहुवचन वाला है। यस मैम। इसी तरह से मोर है तो ज्यादा मोर होंगे तो भी मोर बोलेंगे, एक मोर है तो भी मोर बोलेंगे, क्रिया से पता चलेगा कि वो एक वचन में यूज हुआ या बहुवचन में। ओके ओके मैम। चलिए अब एक वचन से बहुवचन बनाना ये हम देखेंगे। एक इस क्लास में नंदनी है, नंदनी 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 आप समझ में आ रहा है पूरा आपको? मैं एक वचन शब्द बोलती हूँ, आप बहुवचन बताइए मुझे। लड़का, लड़के। क्या वापस बोलो? लड़के। हाँ लड़के, आप लिंग नहीं बदलेंगे, लड़के का लड़का का लड़की नहीं होगा, वचन बदलना है एक से ज्यादा। पंखा, पंखे। बुलंद आवाज में बोलो जैसे मैम जोर से बोल रही है। कपड़ा, कपड़े। घोड़ा, घोड़े। घोड़े, वेरी गुड नंदनी, मैं यही देख रही थी कि आप बोल नहीं रहे हो इस वजह से। चलिए आगे लविश, बच्चा, बच्चे। छाता, छाता, छाते। छाताएं, अभी तुम्हारे एक स्लैब पड़ेगा, छाताएं, छाते। कमरा, कमरे।
कमरे, रे मत बोल, रे पे बिंदी मत लगाओ, कमरे बोलो, कमरे, कमरे। तो, हाँ, तोता, तोते। आप एक ही आवाज, आप डॉट लगा रहे हो सबके ऊपर लविश, हाँ नाक में क्यों बोल रहे हो? देखो कमरा कमरे, तोता तोते, आप बोल रहे तोते तोते, ते पे जोर मत लगाओ, बिंदी मत लगाओ, वापस कोशिश करो। पैसा, पैसे, पैसे। केला, केले, केले। अब सही है। प्रगुण, पुस्तक, पुस्तक है। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि जो ऊपर अपन ने रीड किया उसमें आ का ए बन जाता है, इसके लास्ट में आपे लड़का आपे फिनिश हो रहा है, वो ए में चेंज होगा, ए लगने से बहुवचन बनेगा। सेकंड वाले में ए आ रहा है एक वचन में, जिसमें बहुवचन में ए लगाना पड़ता है। जैसे पुस्तक का बोलो प्रगुण, पुस्तके, पुस्तके। कलम, कलमे। सड़क, सड़के। नहर, नहरे। बहन, बहने। गुड। इनमें सब में ए लगा है तो बहुवचन में, तो उसके ऊपर डॉट लगा है। ये लविश वाले वर्ड्स हैं, जो लविश बोल रखा ना ऊपर वाले, वो ये वाले हैं जिसमें ए की आवाज आएगी। पुस्तके, कलमे, सड़के, ऐसे। आगे है अर्जुन। यस मैम। किताब, बहुवचन बोलिए। किताबे। याद, क्या? याद, यादे, यादें। यस, बहुत सी यादें हैं हमारे मन में स्कूल की, है ना अर्जुन? यस मैम, आप स्कूल खोलेंगे, हम बच्चे कब आएं? बेटा अभी गवर्नमेंट का रूल आएगा, जब अभी फर्स्ट से खुलेगा, लेकिन नाइन्थ। काव्या लिसन टू मी, मुझे भी सुनो, नाइन्थ से ट्वेल्थ के लिए खुल रहा है, अभी आपके लिए ऑर्डर आएगा तो बता देंगे। रात का रातें, ये क्लियर हो गया। थर्ड पे है जिस एक वचन में लास्ट में आ आता है, उसमें ए, इस ए पे लगती है चंद्रबिंदु। ओके यशलीन, आप अभी लेट हुए बेटा, आपने चैप्टर खोल लिया बुक में? चैप्टर ओपन कर लिया आपने बुक में? यस सर। पेज नंबर 33 नाउ। माला का बहुवचन बोलो यशलीन। मालाएं। मालाएं, ओके। छात्रा, छात्राएं। शाखा, शाखाएं, ठीक है, शाखा होती है डाली, उसका शाखाएं, ठीक है। कन्या, कन्याएं। चलिए ठीक है क्लास, इस तरह से जिसके लास्ट में आ रहा है उसका ए लग जाता है, और इसमें वस्तु, वस्तुएं, दवा, दवाएं, महिला, महिलाएं। फोर्थ नंबर है छोटी ई का बड़ी में बदल जाती है, ये स्पेशली ध्यान रखना, इसमें मोस्टली बच्चे गलती करते हैं। साड़ी का साड़ियां होता है, लेकिन ई की मात्रा है वो बहुवचन में छोटी हो जाती है, और एक वचन में बड़ी, बड़ी होती है। देखो साड़ी स्त्री, जहाँ, हाँ, जिस एक वचन में बड़ी की मात्रा है वो बहुवचन में यहाँ आएगा, चंद्रबिंदु आएगा, लेकिन मात्रा वो छोटी हो जाएगी। पहली बात, जो छोटी मात्रा होती है वो बदलती है, वो भी यहाँ में बदलती है। जैसे निधि, इसमें छोटी थी, इसमें छोटी की छोटी रहेगी, साथ में यहाँ आ जाता है। ये ध्यान रखना, बहुवचन में कोई भी छोटी मात्रा बड़ी नहीं होगी। नदी में नदियां, गाड़ी गाड़ियां, मक्खी मक्खियां। ध्यान रखना लास्ट वाली जो बड़ी की मात्रा है वो छोटी में बदल जाती है, और जिसके लास्ट में पहले से यहाँ लिखा हो, चिड़िया, चुहिया, डिबिया, गुड़िया, देखो, हाँ ये भी मैंने बताया था, यहाँ लिखा है वो यहाँ में बदल जाता है। या और यहाँ में ये फर्क है, एक वचन में यहाँ पे चंद्रबिंदु नहीं है, और बहुवचन में यहाँ पे चंद्रबिंदु है। ओके, अगर एक वचन है चिड़िया, देखना मेरा प्रोनाउंसिएशन देखना बेटा, चिड़िया, इसका बहुवचन होगा चिड़िया, चेंज है ना? यस मैम। हाँ जी, या है वो या में बदलेगा, चंद्रबिंदु आएगा। चूहिया, चूहिया। गुड़िया, वो तो पूरा मुंह खुलेगा, और गुड़िया, वो आवाज थोड़ी सी यहाँ से, बिल्कुल, गुजिया, गुजिया। चलो, नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट, समझ में आ गया सबको? यस मैम। एंड वी हैव ऑलरेडी डन दिस बुक वर्क, ओके, इस चैप्टर का बुक वर्क हमने कर लिया है। एक सेकंड, एक सेकंड, मैम आप बुक वर्क पूछ लो, एक सेकंड बेटे।